हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों यदि आपको अपने पीएफ अकाउंट के अंदर फादर नेम चेंज करना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आज फादर्स नेम से संबंधित कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि यदि आपका फादर्स नेम गलत है तो आप अपने पीएफ का पैसा भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, और ना ही आप अपने पीएफ का पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप जैसे ही अपने पीएफ का पैसा निकालते हो या ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पर तुम्हारा आपका क्लेम रिजेक्ट होकर आ जाएगा, वहाँ लिखा आ जाएगा फादर नेम इज डिफर। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको फादर नेम चेंज करना होगा। पहले तो दोस्तों ऐसा कुछ अपडेट नहीं था जिससे कि आप ऑनलाइन फादर नेम चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी ईपीएफओ ने बहुत अच्छा अपडेट निकाला है कि वो आप घर बैठे अपने मोबाइल की सहायता से ही अपना फादर नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर जाकर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम ईपीएफओ ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। वहां पर आपको अपना यूएन नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चर कोड फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको साइन इन पर दबाना है। ठीक है दोस्तों, साइन इन पर दबाने के बाद आपके सामने कुछ अलग इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, उसमें आपको नीचे चलना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है और कैप्चर कोड फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पर दबा देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट पर दबाओगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले फादर नेम चेंज करने के लिए आपको मैनेज पर जाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर जाना है। ठीक है दोस्तों सारे स्टेप को ध्यानपूर्वक सुनना है आपको, कोई भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, उसका दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको जो भी मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी है, एक तो वो मेंबर आईडी आपकी करंट वाली कंपनी की होनी चाहिए ताकि अपन रिक्वेस्ट भेजें तो आप उसको एक्सेप्ट भी करवा सकें। करंट वाली मेंबर आईडी ही सेलेक्ट करनी है दोस्तों मेंबर आईडी को सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर आपको गेट डिटेल पर दबाना है। ठीक है, गेट डिटेल पर दबाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी फादर नेम है वो तीन स्टेपों में पूरा होगा। पहला आपका अपडेट डिटेल, दूसरा आपको कुछ डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको अपलोड करने होंगे, तीसरा दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट पर दबाकर अपना एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट डिटेल के अंदर अपन चलते हैं। तो आपका जब भी आप यहाँ पर आपका जो भी नाम अवेलेबल होगा वो आ जाएगा, आपको जो भी चेंज करना है वो दोस्तों आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको सिर्फ अपना फादर नेम चेंज करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर जो भी फादर नेम के सामने ये पेंसिल वाला ऑप्शन दिया गया इसको आपको दबाना है, क्योंकि इसको दबाओगे तो आपके यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम सही है उसको यहाँ पर फिल करना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी फादर नेम है उसको मैंने एडिट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे चलना है, नीचे चलना है दोस्तों, लास्ट में चलना और ये चेक बॉक्स पे दबाना है और प्रोसीड पे दबाना है। ठीक दोस्तों, तो आपका जो भी फर्स्ट स्टेप था उसको कंप्लीट हो गया है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर आप प्रोसीड पर दबा दिया है। अब ये तुरंत ही आपको दूसरे स्टेप ले जाएगा जहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको अपलोड करने के लिए बोलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है अपलोड डॉक्यूमेंट। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है एक तो वो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए जिसकी शायद 2 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसका दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी फादर नेम है उसमें तीन डॉक्यूमेंट मांगे हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर सेलेक्ट पर दबाना है। और यहाँ पर जैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, पेंशन कार्ड है, पासपोर्ट ऑफ मेंबर है, मैरिज सर्टिफिकेट है, 10th एंड 12th की मार्कशीट है। ठीक दोस्तों, तो वो भी जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो भी पैन कार्ड है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूज फाइल पर जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर ली है, उसका सेकंड डॉक्यूमेंट भी जाना है। अब दोस्तों जो भी आपने पहले डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है उसका ऑप्शन हट जाएगा, आप अदर डॉक्यूमेंट हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो। अब यहाँ पर एक राशन कार्ड है इसको सेलेक्ट कर लिया है मैंने, दोबारा से आपको चूज पर जाना है और फाइल पर दबा देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट है वो उसको भी अपलोड कर लिया है। अब थर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट पर जाना है। अब देखो आप दोस्तों दोनों ही यहाँ पर हट गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर थर्ड में 10th एंड 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, दोबारा से चूज पे दबा देता हूँ, फाइल पे जाता हूँ। तो दोस्तों मैंने तीनों यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड पर दबाना है। ठीक है, अपलोड पर दबाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पर आप पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम था उसका जो अवेलेबल डाटा क्या है और आपने जो भी रिक्वेस्ट डाली है वो क्या डाली है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक दोस्तों, यहाँ पर व्यू और अपलोड डॉक्यूमेंट करके आप यहाँ पर अप दबाकर आप जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए उनको यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर दोनों चेक बॉक्सों को दबा लेता हूँ। दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पर गेट ओटीपी दबा देता हूँ। अब दोस्तों जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी जाएगा।
ठीक है, इस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक दोस्तों, तो ये ओटीपी अभी आपका जो भी आधार कार्ड नंबर रजिस्टर था उस पर गया है, उसको यहाँ पर फिल करना है, कैप्चर कोड फिल करना है और सबमिट पर दबा देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट पर दबाओगे तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपने ओटीपी फिल कर दिया, अब आपको यहाँ पर सबमिट पर दबाना है। ठीक है दोस्तों, सबमिट पर दबाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों जो भी आपकी मेंबर आईडी है उसमें जो भी रिक्वेस्ट डाली वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आपने जो भी नाम किया था और चेंज आपने क्या किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। व्यू डॉक्यूमेंट करना था व्यू कर सकते हो आप। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा जाए पेंड प्रेजेंट स्टेटस में पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर जिसको ऐसे जैसे ही इसको अपलोड करता है दोस्तों तो यहाँ पर लिखा जाए फील्ड पेंडिंग वाई फील्ड ऑफिस। ठीक है दोस्तों, फील्ड ऑफिस होती है दोस्तों जहाँ पर आपका पीएफ का जो भी अकाउंट है ओपन हो रहा है वहाँ पर, उसको फील्ड ऑफिस कहते हैं। वो जैसे ही इसको अपलोड कर देंगे तो आपका जो भी फादर नेम है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप फिर भी इसको पेंडिंग जो रिक्वेस्ट है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो एक्शन पर दबा कर जो डिलीट वाला ऑप्शन आया इसको दबा कर डिलीट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।